जय माता दी। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य मंगल और शनि का योग कैसे आपको देता है जीवन का सुख, किस तरह से ये आपको ऊंचाइयों पर बढ़ाने में आपकी मदद करता है, और जातक के अंदर किस तरह का व्यवहार होता है जिसके कारण वो अपने आप में एक स्पेसिफिक हो जाता है, स्पेशल हो जाता है, उसको बड़ा सुखद अनुभव मिलता है, लेकिन उसके आसपास के रहने वाले लोग या उसकी जरा सी असफलता के कारण उसको कई बार बहुत संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है। कैसे इसको ठीक किया जाए ये भी मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ आपको इसके उपाय भी बता दूंगा, सावधानी भी बता दूंगा, और इसका एक ऐसा रहस्य भी बताऊंगा जिससे आप अपनी समस्याओं से जब भी संघर्ष करेंगे तो बाहर कैसे आना है उसका सीक्रेट भी बता दूंगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ग्रहों की जो सोच होती है, जो कार्य होते हैं, जो उनके गुण धर्म होते हैं, हम पहले उसको समझ लेते हैं। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य का प्रभाव एक अथॉरिटी पावर होता है, एक कोर पावर होती है, एक स्ट्रेंथ होती है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा और हृदय का स्थान होता है, इसी तरह से सूर्य का स्थान भी जन्म कुंडली के अंदर होता है। यानी ऐसा इंसान जब भी सूर्य मंगल शनि का योग होगा तो ऐसा जातक अपने आप में जिम्मेदार बनने की कोशिश करता है, अपने आप को अथॉरिटी दिलाने की कोशिश करता है। किसी की बात पर भरोसा करने से पहले उसे अपने कानों पर और आंखों देखी पर यकीन होने की वो कोशिश करता है। किसी के बहकावे में ऐसे नहीं आता, क्योंकि साथ में शनि देव भी बैठे हैं ना, तो सूर्य और शनि अंधेरे और उजाले के मालिक दोनों जब साथ बैठे हों तो ऐसा जातक बारीकी से किसी चीज को समझने की कोशिश करता है। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि को पहले समझ लेते हैं। सूर्य शनि का जब योग होता है तो ऐसा जातक ज्योतिष, वास्तु, कर्म धर्म के अंदर विश्वास नहीं करता, या उसे विश्वास होता भी है तो कहेगा पहले मुझे करके दिखाओ फिर मैं यकीन मानूंगा। क्यों? क्योंकि सूर्य इधर उजाले के मालिक हैं, आत्मा के मालिक हैं, हृदय के मालिक हैं, जीवन की अस्तित्व की गहराइयों के मालिक हैं, और उधर शनिदेव आपके टैलेंट, आपकी स्किल, आपके फोकस और आपकी स्ट्रलनेस और आपके अंदर कितनी आध्यात्मिक और आपके अंदर कितनी वास्तविक गहराई है ये उसके मालिक हैं। तो जब दोनों आ जाते हैं साथ में तो ऐसा जातक कंफ्यूज हो जाता है, डिसीजन सही नहीं ले पाता। तो जीवन के बढ़ते संघर्ष के कारण ऐसा जातक सबसे पहले जिस किसी से भी बात करेगा पहले कहेगा मैं चमत्कार को नमस्कार मैं तभी करूंगा जब मुझे चमत्कार का रिजल्ट दिखेगा, अदरवाइज मैं बिलीव नहीं करूंगा। इसी कारण से ऐसा जातक पूजा पाठ, कर्म धर्म, ज्योतिष और वास्तु या अध्यात्म की तरफ बहुत प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ता है, ऐसे ही नहीं किसी के पीछे भागता। और ये गलत नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत ही सराहनीय करने योग्य चीज है, क्योंकि जब तक कोई चीज वास्तविक नहीं होती हमें उसका फल कैसे मिलेगा। सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ सोच लेने से आम नहीं खाने को मिलते, आम का पेड़ लगाना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। अब मैंने यहाँ आम की बात क्यों की, क्योंकि मंगल और शनि देव भी तो साथ बैठे हैं। सूर्य के साथ जब मंगल भी बैठे हो और शनि भी बैठे हो तो बात आम नहीं होती, कुछ खास होती है ऐसे जातक में। इस चीज को यहाँ पर मंगल की परिभाषा में समझिए, मंगल होंगे तो मीठा होगा, और ऐसे जातक के अंदर ताकत होती है, एक स्ट्रेंथनेस होती है। ऐसा जातक यूं ही किसी बात पर भी यकीन नहीं करेगा और किसी के काम में भी ऐसे भाग कर नहीं जाता, जिसके कारण ऐसा जातक अपने काम का टैलेंटेड भी होता है। कोई काम उसे बता दो वो किसी काम को मना नहीं करेगा, हर काम को कर डालेगा, जिसके कारण वो महाधनी भी बनता है ना। कितनी अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज है। जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह ना कभी खराब होता है, ना कभी वो अच्छा होता है, ना वो कभी उच्च होता है, ना वो कभी नीच होता है,
सिर्फ उसको समझने का हम में और आप में फर्क होता है, है ना समझदारी वाली बात। क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह जहां बैठा है उसके अंदर एक अपनी खासियत है, एक अपनी अच्छाई है। सिर्फ एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छे कंसल्टेंट को उसको बारीकी से समझना और पढ़ना आना चाहिए। जैसे गन्ना और बांस दोनों पर एक जैसा रंग कर दिया जाए तो देखने वाले की परख होगी कि वो बांस को गन्ना कहेगा या गन्ने को बांस, या गन्ने को गन्ना और बांस को बांस। अब यहां पर बांस की और गन्ने की बात क्यों मैंने की? क्योंकि जब मंगल और शनि की बात आएगी तो मिठाई तो अवश्य खाई जाएगी। अब मंगल है तो आयरन भी होगा शनि के साथ बैठने पर, और मिठाई में आयरन हुआ करता है। और सूर्य चूंकि लाल मिठाई होगी, केसरिया रंग की होगी, ऑरेंज होगी। और मिठाई कैसे बनती है? गन्ने के रस से, यानी चंद्रमा से। जब चंद्रमा ऐसी स्थिति के अंदर अच्छा कर लिया जाए, अपनी माँ के साथ, दादी के साथ, नानी के साथ, घर की बुजुर्ग महिलाओं के साथ और घर के आसपास की रहने वाली माताओं के साथ यदि आपके अच्छे संबंध होंगे तो डेफिनेटली आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य का फल भी अच्छा होगा, मंगल का भी अच्छा होगा और शनि का भी होगा। बात क्लियर है? ये सीक्रेट है। इसके अलावा एक उपाय, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य मंगल शनि का योग 11वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा 11वां भाव राशि नहीं, और आप अपनी जिंदगी के अंदर आर्थिक सुख, कामकाज के सुख, गृहस्थ के सुख, संतान के सुख और विशेष तौर पर आप अपने जीवन में जो भी लाभ लेने वाली चीजें हैं आप उनसे संघर्ष करते आ रहे हैं और आपको यही क्लियर नहीं है आपको जीवन में कहां पहुंचना चाहिए, और सब लोग आपका इस्तेमाल करके आपको फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी आपके साथ अप्लाई करते हैं, तो जो उपाय अब मैं आपको बता रहा हूं इसको जरूर कर लीजिएगा। सूर्य बंदर होता है, इसको बंदर ग्रह से जोड़ करके देखा जाता है, यानी बंदर को सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। मंगल उसका लाल मुंह होता है और शनि देव उसके रंग की स्पष्टता होती है। तो इसीलिए यहां पर बंदर की सेवा नहीं करनी है, यहां पर बंदर की तरह उछल कूद करने से बचना है, किसी को स्क्रैच नहीं मारने। यहां पर स्वयं को समझिए पहले। उपाय क्या है? सबसे पहले सुबह की जो आपके घर के अंदर पहली रोटी बनती है वो उसकी आधी रोटी निकाल करके आप गाय को डाल दीजिए। गाय शुक्र है और शुक्र जब ठीक होता है तो चंद्रमा भी अच्छा फल देता है, और जब चंद्र अच्छे होते हैं तो शुक्र अच्छा फल देता है। दूध, दही, देसी घी, समझ आ गया होगा आपको। और मंगल यहां पर जो आपकी बाकी जो आधी रोटी बची है उसके दो टुकड़े करके एक कुत्ते को डाल दीजिए और एक कौवे को डाल दीजिए। जब आप इन पापी जानवरों की, यानी कि कुत्ते और कौवे जो मांसाहारी जो जीव हैं, जब आप इनको अपने भोजन का निवाला निकाल कर देते हो तो शनि मंगल के अंदर अपना जहर घोलने से बचा लेता है, यानी फिर शनि सूर्य को भी प्रभावित नहीं करेगा, शुक्र को भी नहीं करेगा, मंगल को भी नहीं करेगा और चंद्रमा को भी नहीं करेगा। और ऐसी स्थिति के अंदर आप अच्छे, सटीक, टैलेंटेड, फोकस्ड, अथॉरिटी वाले, पैसे वाले, अच्छी जमीन जायदाद वाले, अच्छी संतान वाले, अच्छे गृहस्थ वाले मालिक बन सकते हैं। और इसका एक खास तौर पर ध्यान और रखा जाना चाहिए। जिन भी लोगों की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य मंगल शनि 11वीं राशि के अंदर भी बैठे हों, और विशेष तौर पर चाहे फिर कहीं भी बैठे हों, ऐसे जातक को शराब, मांस, अंडे के सेवन से बचना चाहिए। नहीं तो जब भी शनि का वक्त आएगा और सूर्य का वक्त, जब भी महादशा, अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर ही क्यों ना हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर जिस भाव के अंदर सूर्य शनि बैठे होंगे मंगल का साथ लेकर के,
उस भाव से संबंधित तो बहुत उतार चढ़ाव आ जाते हैं, बहुत तकलीफें आ जाती हैं। तो अपना उपाय जरूर कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, सूर्य मंगल शनि वाले लोगों के लिए एक खास चीज और बता देता हूं, किसी पर विश्वास नहीं करना। बातों पर उससे जो भी काम करवाना लिखित में करवाना, किसी को पैसा देना हो, जमीन जायदाद आपको अपने नाम करवानी हो या उसके नाम करवानी हो, हमेशा लिखित पे चलिएगा, बातों की वैल्यू नहीं काम करेगी यहाँ पर। और जब आपको हर कदम पर धोखा होता हुआ दिखाई दे तो आप एक स्पेशल उपाय जरूर कर लीजिए, जो अब बेहद आवश्यक है, जो धनी बनना चाहते हैं, जो हमेशा सुखी रहना चाहते हैं और अपने आप को पहचानना चाहते हैं और चाहते हैं जीवन में कभी किसी तरह की समस्या ना हो और हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, तो आप एक घोड़ी का दूध कांच की शीशी में भर करके उसे अपने घर में संभाल कर रख लीजिएगा। और जब भी आपको मौका मिले तो गौशाला जा करके जी भर के गायों को हरा चारा खिलाइएगा। बहुत आपको स्पष्टता नजर आ जाएगी इस उपाय के बाद में। समझ आया? उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने नोन्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन्हें भी, और आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर ये योग है तो उपाय करके इसका जो रिजल्ट है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जाहिर सी बात है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। इसी के साथ जय माता दी।